लंबे लॉकडाउन के बाद अब मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में भी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। हालांकि अब भी देश से हर रोज कोरोना संक्रमण के हजारों नए मामलों की पहचान हो रही है और सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। मैक्सिको में इस वक्त कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,21,000 के करीब पहुंच गई है और 27,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद सरकार ने मैक्सिको सिटी में लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है। हालांकि ये ढील कई शर्तों के साथ दी गई है, जैसे सीमित संख्या और तय समय में ही सार्वजनिक जगहों और बाजार को खोलने का फैसला लिया गया है, जबकि रेस्टोरों में क्षमता के सिर्फ 30% लोगों को ही बैठने की इजाजत दी गई है। बार, जिम और स्कूलों को अभी भी बंद ही रखा गया है। करीब 3 महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार ने 29 जून से ही मैक्सिको की राजधानी को खोलने का फैसला किया। इसके बाद लोगों की मौजूदगी तमाम सार्वजनिक जगहों पर देखने को मिली। इस दौरान हर कोई कोरोना के खतरे से सतर्क नजर आया। कुछ लोग इस बात को लेकर भी चिंतित नजर आए कि देश में कोरोना संकट की दूसरी लहर आना अभी बाकी है।